दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IMDb पर टॉप 250 में अपना धाक जमाने वाले उन इंडियन मूवीज के बारे में जिसे देखकर यकीनन आप भारतीय फिल्म पर गर्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू हो जाते हैं। और मर गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। हम तुम बार छोड़ रहे हैं। क्यों? दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 8 में है साल 2018 में आई फिल्म तुम्बाड। इस फिल्म की शुरुआत 1918 में महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड से होती है। मूसलाधार बारिश से सराबोर रहने वाले इस गांव की एक जर्जर हवेली में एक विधवा एक वृद्ध की सेवा में लगी रहती है। गांव में प्रचलित कहानी के अनुसार यह जर्जर हवेली देवी का सोना ले उड़ने वाले लालची पुत्र हस्तर का मंदिर है, जिसमें खजाना छिपा हुआ है। वीराने में स्थित अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में दो छोटे बच्चों के साथ गुजर बसर करने वाली एक विधवा सोने की चाह में न केवल बूढ़े की सेवा करती है बल्कि जान हथेली पर रखकर जंजीरों में जकड़ी दैत्य के खाने का इंतजाम भी करती है। बावजूद इसके उसके हाथ सोने के एक सिक्के के अलावा कुछ नहीं लगता, उल्टे अपने छोटे बेटे को भी गंवाना पड़ता है। इसीलिए वह अपने बड़े बेटे विनायक के साथ हमेशा के लिए तुम्बाड गाँव छोड़कर पुणे आ जाती है और उससे वादा लेती है कि वह तुम्बाड कभी नहीं लौटेगा। विनायक माँ से वादा तो कर लेता है लेकिन अपने पुरखों के खजाने को नहीं भूल पाता और बड़ा होकर उसकी तलाश में लौटकर तुम्बाड ही पहुँचता है। अब सोने के इन सिक्कों को बटोरने की लालच में वह किस हद तक पहुँचता है यह देखकर आप सिहर उठेंगे। IMDb पर 8 का रेटिंग मिला है। दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर है 26 जून 2021 को रिलीज हुई मलयालम फिल्म दृश्यम 2। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। करीब 6 साल बाद एक पुलिस वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है, जासूस लगाए जाते हैं। एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी को पति पत्नी बनाकर जार्जकुटी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जार्जकुटी को दबोच ले। जार्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझ मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जार्जकुटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जार्जकुटी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। IMDb पर 8 का रेटिंग मिला है। रेपिस्ट ஆல் கடத்துறானோ இல்ல இவன மாதிரி ஒன் சைடுல வரோ கிடையாது, திட்டம் போட்டு கொலை செய்யற ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன். नंबर 6 पर है तमिल भाषा में बनी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म रतशासन है जो 5 अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई। रतशासन में एक ऐसे साइको किलर की कहानी दिखाई गई है जो स्कूल की बच्चियों को किडनैप करता है और बाद में उन्हें मार देता है। लेकिन इसके साथ ही वो एक डॉल भी वारदात पर छोड़ देता है जिससे ये पता चले कि ये काम उसी ने किया है। दूसरी तरफ फिल्म का लीड हीरो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाती। इसी बीच में वो पुलिस ज्वाइन कर लेता है और इंस्पेक्टर बन जाता है। इसके साथ ही वो इस केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करता है। पूरी फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है जिसकी वजह से ये फिल्म जबरदस्त समा बांध कर रखती है। इस मूवी को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। उसके मुंह में तार डाल के गांड से निकाल के इसी प्लाट पे पतंग ने उड़ाई तो हमारा। नंबर 5 पर है साल 2012 की गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर दो परिवारों की आपसी दुश्मनी की कहानी है जिसमें अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक दूसरे के परिवार के लोगों की हत्या की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें ये सत्य कहानी पर आधारित फिल्म है। IMDb पर इस मूवी को 8 का रेटिंग मिला है। अंधा होने की प्रॉब्लम तो सबको पता है। फायदा मैं बताता हूं। Hi, good evening, how are you? नंबर 4 पर है 5 अक्टूबर 2018 में आई फिल्म अंधाधुन। इस फिल्म की कहानी संगीतकार आकाश की है जिसके दिमाग में एक बात बैठा रह जाता है कि वह नेत्रहीन है। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहा होता है तब उसकी जिंदगी में राधिका की एंट्री होती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। इसके बाद राधिका अपने पिता के पब में उसे पियानो प्लेयर की जॉब भी दिला देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक एक हादसा हो जाता है। दूसरी तरफ एक अनिल धवन नाम का शख्स रियल एस्टेट का काम करता है और अपने से काफी कम उम्र की लड़की तब्बू से शादी कर लेता है। वह टीवी की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है।
फिल्म में तबू कुछ इस तरह की चाल चलती है कि आकाश और राधिका उसमें उलझ जाते हैं और हादसों का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों किस तरह इस जाल से निकलते हैं ये कहानी दर्शाती है यह फिल्म। IMDb पर रेटिंग है 8.1। हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। दोस्तों चौथे नंबर पर साल 2016 में आई फिल्म दंगल है। यह फिल्म सत्य कहानी पर आधारित है। इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह है। महावीर फोगाट पूर्व नेशनल लेवल का पहलवान है जो हमेशा एक बेटे की चाह में जी रहा है। वो बेटा जो उसके लिए गोल्ड मेडल जीत कर ला सके किसी इंटरनेशनल इवेंट में, लेकिन चौथी बार भी उसे लड़की होती है। महावीर फोगाट दुखी हो जाता है और अपने गोल्ड मेडल को अलविदा कह देता है। हालांकि लड़कियां और लड़कों का अंतर उसके लिए तब मिटता है जब उसकी दो छोटी छोटी बेटियां गीता और बबीता पड़ोस के दो लड़कों को बुरी तरह पीट देती हैं, क्योंकि उन दो लड़कों ने लड़कियों पर बुरे कमेंट किए होते हैं। महावीर को तुरंत इस सच का एहसास हो जाता है कि गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, लड़का जीत के लाए या फिर लड़की। IMDb पर रेटिंग है 8.2। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर साल 2007 में आई फिल्म तारे जमीन पर है। इस फिल्म में दिखाया गया है एक 8 वर्षीय लड़का है जो स्कूल से नफरत करता है। उसके लिए हर विषय मुश्किल है और वह सदा उस परीक्षा में विफल हो जाता है। वह एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने के लिए मुश्किल सा रास्ता ढूंढता है। उसे जब अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मिलनी चाहिए उस समय उसके ऊपर सार्वजनिक अपमान लगातार काम करता है। इसी समय ईशान के आंतरिक दुनिया आश्चर्य से भर जाता है कि उसकी सराहना करने के लिए कोई नहीं है। जादुई भूमि रंग और बनावटी पशुओं से भरा हुआ लगता है। घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पिता है एक सफल और व्यस्त कार्यकारी है जो अपने लड़कों से बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। उसकी माँ एक गृहिणी है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करने में अपनी असमर्थता के कारण परेशान रहती है। ईशान के बड़े भाई एक होनहार छात्र और साथ ही एक अच्छा एथलीट है जो एक तथ्य के रूप में उसे हमेशा याद दिलाती है। ग्रेड कम होने के कारण उसके माता पिता ने निश्चय किया कि उसे अनुशासित होने के लिए बोर्डिंग स्कूल में रहने की जरूरत है। इसी बीच जब एक नया अस्थायी कला अध्यापक बोर्डिंग स्कूल से जुड़ते हैं जो जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि ईशान नाखुश है और क्लास की गतिविधियों में योगदान नहीं कर रहा है तो वह ईशान का अतीत के काम की समीक्षा करता है और यह चिंतन करता है कि वास्तव उसकी विफलताओं का कारण डिस्लेक्सिया है। IMDb पर रेटिंग मिली है 8.3। नंबर 2 पर है 26 अगस्त 1955 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म पथेर पांचाली। फिल्म की कहानी ग्रामीण बंगाल के निश्चिंदीपुर गांव में सन 1910 से शुरू होती है। वहां हरिहर रॉय नाम का आदमी पुजारी के रूप में काम करता है, लेकिन वह अपना भविष्य एक कवि और नाटककार के रूप में देखता है। घर पर उसकी पत्नी सरबजाया बेटी दुर्गा और अपू है। घर पर उनके अलावा हरिहर की बड़ी चचेरी बहन इंदिर ठकरून भी रहती है। कमाई कम होने के कारण सरबजाया नहीं चाहती कि इंदिर वहां रहे जो अक्सर रसोई से खाना चुरा के खा जाती है। आपको बता दे इस फिल्म को इंडिया का पहला ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे द्वारा बनाया गया है। इस मूवी को IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली है। रंचो रंचोड़दास श्यामलदास चांचर जितना अलग साले का नाम था उतनी ही अलग सोच। सर आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी I will not accept your paper. सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? हमारे नंबर 1 की लिस्ट में शामिल है 25 दिसंबर 2009 क्रिसमस के अवसर पर रिलीज हुई हिंदी फिल्म थ्री इडियट। थ्री इडियट्स की कहानी है दो दोस्तों द्वारा अपने एक खोए दोस्त को खोजने की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें लंबे समय से भूल चुकी बातें याद आती है। इस यात्रा में उन्हें हर हाल में एक शादी को रोकना है और शामिल होना पड़ता है एक अंतिम संस्कार में। जैसे जैसे वे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं उन्हें याद आती है अपने सबसे प्यारे दोस्त रांचो की अद्भुत ऊर्जा से भरा एक मुक्त विचारक रांचो जो अपने अजीबोगरीब तरीकों से मन को छू लेता है और किस तरह अपने दोस्तों का जीवन बदलता है। उन्हें याद आते हैं अपने हॉस्टल के दिन, कॉलेज के एक दमनकारी संरक्षक के साथ संघर्ष। एक दिन रांचो बिना किसी को कुछ बताए एकाएक गायब हो जाता है। आखिर कहां गया रांचो? वह कहां से आया था? क्यों बिना बताए चला गया? जब सारी दुनिया उन्हें इडियट बुलाती थी एक दोस्त ने उन्हें एक अलग ही तरह से सोचना सिखाया था, जीना सिखाया था, पर आखिर वो असली इडियट है कहाँ?
उस इडियट की खोज में एक और यात्रा शुरू होती है, अपने भीतर की यात्रा, जो ले जाती है खूबसूरत पहाड़ों की ओर, जहां उन्हें मिलती है उनके दोस्त की कहानी और सवालों के जवाब। इस मूवी का IMDb पर शानदार 8.3 रेटिंग है।